यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 को लेकर के बड़ी खबर आ रही कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि खबर क्या है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र और रजिस्ट्रेशन कार्ड लाना होगा अनिवार्य। तो क्या है मुख्य खबर। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने 18 फरवरी से शुरू होने जा रही यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू होने जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ले जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई बच्चा इनको नहीं ले जाता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा निर्देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। हाईस्कूल के परीक्षार्थियों के लिए कक्षा 9 और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें यथासंभव आधार कार्ड या सरकार की ओर से जारी अन्य कोई पहचान पत्र अपने साथ ले जाने की हिदायत दी है। तो यह थी बहुत ही अहम खबर। यदि आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में नहीं बैठाने दिया जाएगा, ठीक है, बैठाया जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने 18 फरवरी से शुरू होने जा रही यूपी बोर्ड की परीक्षा के बारे में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री, मोबाइल, हेडफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, बैग तथा परीक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाना प्रतिबंधित है। हालांकि परीक्षार्थी आवश्यकता अनुसार पारदर्शी ज्यामिति बॉक्स और पानी की बोतल भी अपने साथ परीक्षा कक्ष में ला सकते हैं। तो ये थी अहम खबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे और छात्रों को भी पता चल जाए कि हमको क्या चीज़ लेकर के जानी है जब हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।